Hello everyone, we are going to start with another lecture of performance management. और इस लेक्चर में मेनली जो हम आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बगैर जो आज हम करने जा रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा. देखें, अब यहाँ पे एक सिचुएशन है. बेसिकली बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें पहले हम नॉर्मल लीनियर प्रोग्रामिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर हम शेडो प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे. दी असेंबलिंग, ओके फाइन. सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट इज़ द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ रिलायंस स्टार बैटरीज एंड रिलायंस सुपर स्टार बैटरीज पर मंथ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट? सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी? द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है. स्टार्टिंग वाली चीज़ें मैंने लिखी नहीं थी, बट वो मतलब रिटन में नहीं है, मैंने उसको अलग से लिख दिया है. A company is currently manufacturing. A company manufactures two products. Product Reliance Star and Reliance Superstar, obviously, in two different production departments, which is assembling department and testing department, right? So, following are the information given about it. Reliance Star battery assembling department mein 2 hours consume kar rahi hai. Reliance Star batteries testing department mein 1.5 hours consume kar rahi hai. Reliance Superstar batteries is expected to consume 4 hours in assembling department and 1 hour in testing department. The assembling department has a maximum of 12,000 hours available per month. The testing department has a maximum capacity of 6,000 hours available per month because of the limited availability of component parts. अच्छा, यहाँ तक उसने दो चीज़ों के ऊपर बात की कि जी असेंबलिंग डिपार्टमेंट में मैक्सिमम मेरे पास आवर्स कितने हैं, 12,000, और टेस्टिंग डिपार्टमेंट में मैक्सिमम आवर्स कितने हैं, 6,000 आवर्स. बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट फॉर रिलायंस स्टार बैटरीज, the maximum demand for Reliance Star batteries is 3500. Obviously this is for 1 month. तो अब अगर कोई मुझसे कहे कि जी constraint क्या है, तो constraint देखें, assembling department में 12,000 hours हैं, ये पहला constraint है. testing department में maximum 6,000 hours हैं, ये दूसरा constraint है. और demand जो है वो Reliance Star batteries की maximum 3500 है, ये भी मेरे पास एक constraint है, and this is the third constraint, right? फिर उसने कहा summaries of financial data about each product is given below. Selling price दे दी, direct material cost दोनों products की उसने आपको दे दी. अच्छा, उसके बाद उसने एक जुमला लिखा है variable assembling department cost. Basically ये दोनों cost जो उसने यहाँ पे दी हुई हैं, ये दोनों की दोनों conversion cost हैं, ठीक है? ये variable testing cost तो हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ mention नहीं है, वो ये कि बोथ ऑफ दीज आर दी कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये है कि ये वो कॉस्ट है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है, ठीक है? तो डायरेक्ट मटेरियल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल उसने अलग से दिया हुआ है, राइट? सो अब उसने कहा कि जी आप एक काम करें कि आप इसका प्रोडक्शन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लें. अब देखें, हमने जो आइडेंटिफाई किया था लास्ट सेशन में, वो ये आइडेंटिफाई किया था कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमने उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, फिर हमने ग्राफ बनाना है, फिर हमने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज़ वन रिंकल हियर एंड दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं है. तो पहले तो एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बगैर हम आगे काम नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो सकता. तो एक काम करते हैं कि हम रिलायंस स्टार बैटरीज और रिलायंस सुपर स्टार बैटरीज का कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है? रिलायंस स्टार और रिलायंस सुपर स्टार. सेलिंग प्राइस जो उसने दी हुई है वो दी हुई है 2200 फॉर रिलायंस स्टार, और रिलायंस सुपर स्टार के लिए इज 3500. अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो उसने दी हुई है वो दी हुई है 700 फॉर रिलायंस स्टार एंड 1100 फॉर रिलायंस सुपर स्टार. और फिर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट जो उसने दी है, वो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट उसने दी है 300 पर आ. वेरिएबल असेंबलिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट आ 300 पर आ. तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूडिंग मटीरियल, दैट इज़ अराउंड 300 पर आ. तो अच्छा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि जी रिलायंस
बल्कि एक काम करते हैं, इसको यूं कर लेते हैं, असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर आप चाहें तो हेडिंग डाल दें कन्वर्जन कॉस्ट की, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की। असेंबलिंग डिपार्टमेंट की जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, इट्स अराउंड 300 पर आर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये एक्सक्लूडिंग मटीरियल है, बट ये एक्सक्लूडिंग मटीरियल है क्योंकि ये इंक्लूडिंग मटीरियल हो भी नहीं सकता क्योंकि मटीरियल की अपनी कॉस्ट 700 है, तो इट्स 300 पर आर। अच्छा, अब रिलायंस स्टार बैटरीज असेंबलिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे ले रही है? रिलायंस स्टार बैटरीज असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 2 घंटे ले रही है, तो 2 आवर्स अगर वो कंज्यूम कर रही है तो 2 × 300 इट्स गोइंग टू बी अराउंड 600। और रिलायंस स्टार बैटरीज टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे कंज्यूम कर रही है? 1.15, ठीक है। ये रिलायंस स्टार बैटरीज है, ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट में 1.5 आवर्स कंज्यूम कर रही है, और जो इसकी कॉस्ट है टेस्टिंग डिपार्टमेंट की, इट्स अराउंड 200 पर आवर, राइट? टेस्टिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 200 पर आवर है, सो दिस मल्टीप्लाई बाय 200 इज आई थिंक 300, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसी तरीके से रिलायंस सुपर स्टार बैटरीज 4 घंटे कंज्यूम कर रही है असेंबलिंग में, और 1 घंटे का जो रेट है वो 300 है, तो ये हो जाएगा 1200। और रिलायंस सुपर स्टार बैटरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट में 1 आवर कंज्यूम कर रही है, 1 × 200 इज ऑब्वियसली 200। सो इफ़ यू डिडक्ट दीज टू फिगर्स यू विल गेट व्हाट, लेट मी स्विच ऑन कैलकुलेटर। ओके, सो इट्स 2200 −700 −600 −300, इट्स 600। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 600, कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। 3500 −1100 −1200 −200 इज 1000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 600 और 1000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे सबसे पहले। लेकिन ये तो वर्किंग सॉर्ट ऑफ था हमारा। स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। वट इज़ दी ऑब्जेक्टिव? Objective is to maximize contribution, and contribution is equals to 600x plus 1000y. अच्छा, एक assumption लेना मैं भूल गई हूँ, आप starting में चाहें तो वो assumption ले सकते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं, let x and y be the sales volume of product of Reliance Star batteries, Reliance Star and Reliance Super Star batteries, ठीक है। तो ये एक assumption लेने से होता है कि clear हो जाता है कि x किसके sales volume को represent कर रहा है और y किसके sales volume को represent कर रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये हो गया, अब हमें इसका कंस्ट्रेंट डेवलप करनी है। अच्छा, कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या क्या है? कंस्ट्रेंट में एक कंस्ट्रेंट है असेंबलिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, असेंबलिंग डिपार्टमेंट है हमारे पास सबसे पहले। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में उसने कहा था कि जी मैक्सिमम 12,000 आवर्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, हमारे पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 12,000 आवर्स हैं, ठीक है। तो 12,000 आवर्स होने का मतलब ये है कि टाइम 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब असेंबलिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं? रिलायंस स्टार है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, रिलायंस सुपर स्टार है जिसको हम वाई कह रहे हैं। सो वी विल राइट इट लाइक दिस के 2 आवर्स यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ एक्स प्लस 4 आवर्स यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12,000, ठीक है। उसी तरीके से टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के मैक्सिमम आवर्स जो हैं वो 6,000 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1.5 ऑफ एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6,000। अच्छा, एक और कंस्ट्रेंट है जो कि डिमांड कंस्ट्रेंट है, डिमांड 3500 है मैक्सिमम रिलायंस स्टार बैटरीज की। तो रिलायंस स्टार को हम मान के चल रहे हैं एक्स,
x should be less than equals to 3500. और एक और कंस्ट्रेंट होता है नॉन नेगेटिविटी की, एंड x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है भाई. अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ. और ग्राफ बनाने के लिए हमें बारी बारी इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. तो असेंबलिंग का जो असेंबलिंग की इक्वेशन है, 2x plus 4y is equals to 12,000. हम मैक्सिमम कंडीशन लेके चलेंगे, मैक्सिमाइज कर लेंगे कि जी मैक्सिमम कंडीशन में 12,000 घंटे हैं. तो वी विल अज्यूम कि अगर 12,000 घंटे होते हैं तो x के कितने यूनिट्स बनेंगे और y के कितने यूनिट्स बनेंगे. तो हम लेके चलते हैं कि जी x को हम ज़ीरो रखते हैं और देखते हैं y की क्या वैल्यू आएगी. तो अगर मैं x को हटा दूं तो ये 4y is equals to 12,000 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3,000. और अगर इसी इक्वेशन में मैं y को ज़ीरो रखूं तो x की वैल्यू हो जाएगी, y को अगर मैं हटा दूं तो 2x is equals to 12,000 हो जाएगा और x की वैल्यू 6,000 हो जाएगी. ठीक है, ये एक पॉइंट्स आ गए. अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 1.5x 1.5. अच्छा, ये थी टेस्टिंग की, ये असेंबलिंग की थी. ठीक है. अच्छा, टेस्टिंग की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है, टेस्टिंग की इक्वेशन है 1.5x plus y is equals to less than equals to 6,000 है. हम उसको इक्वेट कर देते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए. सो if putting x is equals to 0 in above, तो x अगर मैं 0 कर दूं तो y 6,000 हो जाएगा, और अगर मैं y को 0 रख दूं तो x मेरे पास हो जाएगा 4,000. एक सेकेंड, मैं 6,000 को ज़रा डिवाइड कर दूं. 6,000 डिवाइडेड, सॉरी 6,000 डिवाइडेड बाई 1.5 is 4,000. ठीक है, तो ये इसके भी पॉइंट्स आ गए. अच्छा, ओके. और इस वाले कंस्ट्रेंट को हम डायरेक्टली ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे. अच्छा, इसका मतलब अब मेरे पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 6,000 है x में भी और y में भी. तो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें 500 का गैप ले लेते हैं. ओके, सो ये हमने बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट कर लिया तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए. अच्छा, सो असेंबलिंग में x 0 है तो y 3,000 है, x 0 है तो y 3,000 है, और y 0 है तो x 6,000 है. तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइनिंग में ये रहा. ठीक है, ये असेंबलिंग की इक्वेशन हो गई. असेंबलिंग की इक्वेशन है, इसमें हम असेंबली की हेडिंग डाल देंगे, और इसकी इक्वेशन है 2x plus 4y should be less than equals to 12,000. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम असेंबलिंग की इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे. असेंबलिंग की इक्वेशन है, x को 0 रख रहे हैं तो y 6,000 है. 6,000 का मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, और y को 0 रखेंगे तो x 4,000 है, ये यहाँ पे आ जाएगा. तो लेट्स टेक के ये कुछ इस तरीके का बनेगा. ठीक है भाई, ऑलराइट. ये हो गई हमारी टेस्टिंग की इक्वेशन, और टेस्टिंग की इक्वेशन में दिस इज 1.5x plus y should be less than equals to 6,000, राइट. अच्छा, तीसरा जो कंस्ट्रेंट था हमारा वो था डिमांड कंस्ट्रेंट. डिमांड कंस्ट्रेंट था x should be less than equals to 3500. x को 3500 से कम होना चाहिए. 3500 है ये, इसके लिए हम इंक दूसरी यूज़ कर लेते हैं. x 3500 है ये, तो इसमें से एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे यूँ, लाइक दिस. ठीक है,
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3500। अब हमारी आती है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्या कहते हैं हमारा जो फीजिबल एरिया है वो फीजिबल एरिया बेसिकली क्या है। अच्छा, फीजिबल एरिया के लिए हम वो पॉइंट्स लेते हैं जहाँ पे हमारे सारे कंस्ट्रेंट मीट कर रहे हैं। तो मेरे पास पॉइंट ए है, सॉरी, अब यहाँ पे वैसे तो हमने बात की थी कि ओरिजिन के फौरन बाद वाला एरिया जो है वो फीजिबल एरिया होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करें तो देखें ये लेस देन कंस्ट्रेंट है, इसमें फीजिबल एरिया पीछे होगा, ये लेस देन एरिया है, इसमें फीजिबल एरिया नीचे होगा, इसका फीजिबल एरिया नीचे होगा। तो इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज दिस पोर्शन। तो हमारा जो फीजिबल एरिया होगा वो होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी डैश कर लें आप इसको, और इसको कर लें पॉइंट डी। तो फीजिबल एरिया विल बी ए बी सी डी एंड ओ, ओ इज दी ओरिजिन, राइट। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आ गए। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि हम सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करके और फिर ये चेक कर लेंगे कि जहाँ पे मेरे पास वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे ए के पॉइंट, ए का चलो पॉइंट आसान है, डी का पॉइंट आसान है, लेकिन बी और सी चूँकि मिडिल में आ रहे हैं इसलिए इसका पॉइंट कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली इसकी, अच्छा इसके लिए एक और शॉर्टकट आता है विच इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन का मतलब ये है कि हम एक लाइन बनाएंगे। पहले मैं बता दूँ हम कैसे काम करेंगे। काम करने का तरीका ये है कि हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन बनानी है। आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन सपोज ये है, ठीक है। अब ये आएगी कैसे इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, सॉरी एक काम करते हैं इसका स्लोप ज़रा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सपोज आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो आ रही है ये, सपोज ये आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन को मूव करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जितना आगे हम आगे जाते चले जाएंगे जो पॉइंट आखिर में बचेगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। जैसे अब जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसकी थ्योरी ये कहती है कि जो पॉइंट सबसे पहले पीछे रह जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा और जो आखिर में पॉइंट बचेगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम इसको मूव करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। डी सबसे पहले पीछे रह जाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, फिर ए का होगा, फिर प्रॉबेबली बी का होगा और आखिर में शायद सी बचेगा। तो हम कहेंगे कि जी सी मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन है। और बी और सी अगर बहुत ज़्यादा करीब है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि उस उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके इक्वेशन में डाल के फिर हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। उस पर तो कभी अगर ऐसा मौका आया तो हम बात करेंगे। अब सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप ऐसा होना डिफरेंट है, स्लोप ऐसा होना डिफरेंट है, स्लोप ऐसा होना डिफरेंट है, इन तीनों के अलग अलग सोल्यूशन निकलेंगे। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन का स्लोप कैसे बनाएंगे और पहले ये लाइन बनेगी कैसे। आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन हम हमेशा बनाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को देख के, ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसकी इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 600x प्लस 1000y। तो पहले तो आप इसको अलग से लिख लें, 600x प्लस 1000 ऑफ y। मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब स्लोप के लिए मुझे डेफिनेटली पॉइंट चाहिए होंगे अगर मुझे लाइन बनानी है। तो हम इज इक्वल्स टू के बाद अपनी मर्जी से वैसे तो कोई भी फिगर रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल रखूं तो मुझे, मेरे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसको 600,000 रखूं तो 600,000 रखने से मेरे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगे। क्या मतलब हुआ मेरी बात का कि देखिए जब हमें पॉइंट्स निकालने हैं तो हम एक्स को ज़ीरो रख के वाई की वैल्यू निकालेंगे और वाई को ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो
एक्स को जीरो रख के वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आएगी 600, और वाई को जीरो रख के अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, अच्छा ये अच्छा। अब मसला ये है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्लॉट करना है इस इक्वेशन में। एक्स को जीरो रखेंगे, वाई 600, देखिए यहाँ तक तो है 500, 500 और ये है 750, तो एक काम करते हैं 600 कुछ यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 600 हम यहाँ पे ले लेते हैं, और वाई को जीरो रख के एक्स 1000, तो ये फिगर यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसको बनाने का तरीकाकार ये होता है कि इसको यूजुअली हम एक डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब वो थोड़ा सा स्पेसिफाई करने उसका मकसद होता है कि ये आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन है। इसको यूजुअली हम बनाते हैं, एक मैं थोड़ा सा इसका रोटेशन सही कर दूं, एंगल इसका मैं सही कर दूं, 30 इस तो ये आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन बन जाएगी। जैसे अब ये आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन बन गई, डॉटेड लाइन होने का मतलब ही आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन है। अब हम इसको मूव करेंगे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। देखिए, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का मतलब ये है कि ये 30 डिग्रीज नहीं चेंज होना चाहिए। हम इसको मूव करेंगे और अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, जो सबसे पहले पॉइंट कट रहा है वो कट रहा है डी। ठीक है, इसका मतलब डी लीस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। फिर कट रहा है सी, सी उससे कम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। फिर कट रहा है ए, और आखिर में कट रहा है बी, बी आखिर में बच गया। तो इसका मतलब सर बी जो है वो मेरे लिए सोल्यूशन जनरेट कर रहा है। अब मुझे सिर्फ बी के पॉइंट चाहिए, बाकी अगर पॉइंट्स ना भी हो मेरे पास तो चल जाएगा। इसको ऐसे शो करते हैं कि इसको हम एरो बना के हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब बी पॉइंट्स के इक्वेशन, बी पॉइंट्स के आप वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप ये देखें कि बी पॉइंट किन दो इक्वेशन से मिलके बन रहा है। बी पॉइंट बन रहा है असेंबलिंग और टेस्टिंग की इक्वेशन से मिलके ना, तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे अगर, तो मेरे पास बी पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये हम लेंगे 2x+4y इज लेस देन इक्वल्स टू 12,000, ये एक लाइन है, और एक लाइन है 1.5 ऑफ x+y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6,000। हम सॉल्व करने के लिए दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगेन आई एम रिपीटिंग, हम ये दोनों लाइंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी पॉइंट इन दोनों से मिलके बन रहा है। अगर सॉल्यूशन सी डैश आता तो सी डैश में फिर हम ये वाली इक्वेशन लेते और टेस्टिंग की इक्वेशन लेके कैलकुलेशन करते, तो ये जरा देख के कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें आसान तरीन तरीका तो ये है कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, तो मेरे पास वाई खत्म हो जाएगा। सो 4 × 1.5 इज 6x+4y इज इक्वल टू 24,000, और दूसरी इक्वेशन है 2x+4y इज इक्वल टू 12,000, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12,000, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3,000। ठीक है, ये कुछ हद तक 3,000 वैसे आ भी रही है, अगर हम इसको चेक भी कर लें तो ये तकरीबन 3,000 है, तो वो हमें सॉरी वो हमें प्रूफ भी हो गया। ठीक है, सॉरी आई थिंक आई शुड नॉट डिलीट दिस। उसके बाद x को हम यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 1.5 ऑफ 3,000 इस इक्वेशन में मैं रख रही हूँ, +y इज इक्वल टू 6,000, 1.5 × 3,000 इज 4,500, +y इज इक्वल टू 6,000, सो y की वैल्यू आ जाएगी 1,500। सो इसका मतलब b के जो पॉइंट्स हैं वो b के पॉइंट्स हैं 1,500 कॉमा सॉरी 3,000 कॉमा 1,500। ठीक है, और मेरे ख्याल में शायद ये हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो आपका ग्राफ जितना परफेक्ट बनेगा आप उतना ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि उसको इसी तरीके से निकालें। अच्छा, अब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो हम ये अच्छा
इसका मतलब ये है कि अच्छा, एक्स को हम शुरू में क्या मान के चले थे? एक्स को हम मान के चले थे रिलायंस स्टार, और वाई को हम मान के चले थे रिलायंस सुपर स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक्स के आप बना ले 3000, एक्स यानी रिलायंस स्टार बैटरीज के आप 3000 यूनिट्स बनाए, और रिलायंस सुपर स्टार बैटरीज जिसको हम वाई मान के चल रहे थे इसके आप बना ले 1500 यूनिट्स, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बस सिर्फ एक चीज़ हमने एडिशनल देखी है उस क्वेश्चन में, वो है आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन, उसके अलावा तो बाकी चीज़ें सब नॉर्मल है। अच्छा, अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ इस पॉइंट को बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि ये असल पॉइंट है जो कि प्रॉब्लम करता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा यूजुअली इतना इशू नहीं है, बस ये एक छोटा सा मसला है। देखें, पहले तो दो चीज़ों की डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ, इन चीज़ों को ज़रा समझें कि ये डेफिनेशंस हैं क्या। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, और एक होता है, एक कहलाता है स्लैक। ये दो वर्ड्स हैं, दो टर्म्स हैं, समझें। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाते वक्त जो सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया है, जो रिजल्ट हमने निकाला है, जब हम उतनी प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन लेवल पे अगर कोई मेरा रिसोर्स ख़त्म हो जाता है तो वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। आई एम रिपीटिंग, अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में और उस सॉल्यूशन को बनाने में अगर कोई रिसोर्स ख़त्म हो जाता है तो वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये प्रोडक्शन प्लान बनाया है कि जी इतने यूनिट्स बनाने हैं मुझे, तो इतने यूनिट्स को बनाने में मटेरियल, लेबर, जो भी चीज़ें चाहिए, अगर उनमें से कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो लिमिटिंग वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगा। और अगर इन यूनिट्स को बनाने के बावजूद कोई चीज़ बच जाएगी तो वो स्लैक है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अब चलें इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। देखिए, हम बनाने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी 3000 यूनिट्स हम एक्स के बनाएंगे और 1500 यूनिट्स हम वाई के बनाएंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं ना, दो दो रिसोर्सेज हैं, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट रिसोर्स है मेरा और एक असेंबलिंग डिपार्टमेंट रिसोर्स है मेरा। हम एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या जब हम ये प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे तो क्या टेस्टिंग डिपार्टमेंट फुल के आवर्स फुली यूटिलाइज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं। देखिए, टेस्टिंग डिपार्टमेंट की जो इक्वेशन है वो है 1.5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6000, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6000। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इधर प्लग इन करते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1.5x मल्टीप्लाई, एक्स की जगह पे हम 3000 ले लेंगे, प्लस 1500 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6000। अच्छा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3000 इज 4500 प्लस 1500। अब जब आप 4500 और 1500 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा 6000। तो मेरे पास मैक्सिमम टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे थे? 6000। यूटिलाइज कितने हो रहे हैं? 6000। इसका मतलब अगर मैं ये प्रोडक्शन प्लान बनाऊं तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के घंटे मेरे पास नहीं बचेंगे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज फुली यूटिलाइज्ड एट ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक भी बात समझ में नहीं आई है तो आप इसकी बड़ी एक स्टूपिड सी एग्जांपल मैं बता रही हूँ, लेकिन बहरहाल समझने वाली काम की एग्जांपल है, वो ये है कि आप रोटी खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, और रोटी खाने के लिए आप रोटी भी है आपके पास और सालन भी है। ठीक है, अब आप रोटी उस वक्त तक खा सकते हैं जब तक सालन है आपके पास। जैसे ही सालन ख़त्म होगा आप फर्दर रोटी नहीं खा सकते। तो इसका मतलब रोटी तो अवेलेबल है, लेकिन आपने खाना क्यों छोड़ दिया? आपकी एक्टिविटी क्यों रुक गई? क्योंकि सालन रुक गया, सालन नहीं है।
उसी तरीके से अगर सालन अवेलेबल है, करी अवेलेबल है, बट स्टिल यू आर इफ इफ यू डोंट हैव दैट लोफ अवेलेबल, तो हम कहेंगे कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो रोटी नहीं है। तो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, मशीन आर्स चाहिए। कोई एक ही चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो हम कहेंगे कि यार ये ख़त्म हो गया, अब हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो चीज़ सबसे पहले ख़त्म हो जाती है वो कहलाती है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। अच्छा, अब दूसरा डिपार्टमेंट चेक करते हैं, असेंबलिंग डिपार्टमेंट। देखिए, असेंबलिंग डिपार्टमेंट की जो इक्वेशन थी इसको भी चेक कर लेते हैं। असेंबलिंग की इक्वेशन थी 2x + 4y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12,000। सो 2 ऑफ x में आ जाएगा यही 3,000 और y में आ जाएगा 1,500। सो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 6,000, तो ये भी 12,000 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट के भी सारे आर्स ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। ठीक है, वी कैन राइट द सेम थिंग हियर फॉर असेंबलिंग डिपार्टमेंट, दैट असेंबलिंग डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हमने सोल्यूशन डिवेलप किया तो सोल्यूशन के पॉइंट पे असेंबलिंग डिपार्टमेंट के फर्दर आर्स अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आता है कि हमें ये चेक करना होगा। अच्छा, अब मुझे ज़रूरत क्या पड़ रही है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट को कैलकुलेट करने की? देखें, अब ज़रा आप एक चीज़ समझें, मेरे पास टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी नहीं है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के घंटे भी नहीं है, मेरे पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट के घंटे भी नहीं है। ठीक है, दोनों के आर्स मेरे पास ख़त्म हो गए। अब मेरे पास टेस्टिंग डिपार्टमेंट का एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि देखिए सर, मेरा डिपार्टमेंट आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ प्रोवाइडेड कि आप मेरे डिपार्टमेंट के जो पैसे हैं, जैसे सपोज आप मेरे डिपार्टमेंट को अगर डबल पैसे दे देते हैं तो फिर हम आपका काम कर देंगे। अगर आप मतलब आपके टेस्टिंग डिपार्टमेंट के आर्स ख़त्म हो गए जब भी आपकी प्रोडक्शन रुक रही है ना, तो अगर आप मेरे डिपार्टमेंट को डबल पैसे दे दें, यानी जितने नॉर्मल अगर 200 रुपये दे रहे हैं तो आप मुझे 400 रुपये अगर दें तो फिर हम आपका काम कर देंगे। आपको लगा यार ये क्या बदतमीजी है, डबल पैसे मांग रहा है, आपको बुरा लगा, फिर आपने ये सोचा कि यार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, हो सकता है अभी भी इसकी ऑफर अच्छी हो। अभी ये मत सोचिएगा कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट की भी आर्स ख़त्म हो गए तो उसका क्या होगा, अभी उसको छोड़ते हैं। अभी अज्यूम करके चलते हैं कि टेस्टिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इससे किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अगर इस ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे से अगर मेरी नेगोशिएशन हो गई और अगर इसने मुझे एक अच्छी ऑफर दी तो फिर हम असेंबलिंग डिपार्टमेंट को भी छेड़ेंगे कि अभी तुम भी अपनी चीज़ बता दो कि अगर काम हो सकता है मज़ीद फर्दर। तो मैंने कहा कि यार अब मुझसे वो ये कह रहा है कि जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जो टाइम की जो कॉस्ट थी वो थी 200। ठीक है, उसने आके आपको ये बोला कि जी 200 तो छोड़ दें, आप मुझे 400 रुपये दे दें, अगर $400 पर आर दे दें, विच मीन्स 200 एक्स्ट्रा, तो वी एग्री कि हम आपके लिए काम कर लेंगे। तो मुझे मेरे जहन में क्या बात आएगी, मेरे जहन में फिर ये बात आएगी कि अच्छा चलो बात तो ठीक कर रहा है, चलो हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए बेनिफिशियल कब होगा इसको एक्स्ट्रा पैसे देना? मेरे लिए सिर्फ उस वक्त बेनिफिशियल होगा कि जब मुझे बेनिफिट 200 से ज़्यादा हो जाए। अगर हम उसको एक्स्ट्रा 200 रुपये दे रहे हैं ना, तो अगर मेरा बेनिफिट, इफ़ माय बेनिफिट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 200, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट दी ऑफ़र। अगर मेरा बेनिफिट लेस देन 200 है तो हम उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरे जहन में आ गई, ये बात मैंने अपने माइंड में बिठा ली। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि अगर इसका 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है शेडो प्राइस का। तो शेडो प्राइस सर फिर क्या है? शेडो प्राइस का मतलब है कि दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रीब्यूशन विच कंपनी कैन जनरेट from the availability of one additional unit of binding constraint।
कि अगर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का एक एडिशनल यूनिट मुझे मिल जाता है तो उस एक एडिशनल यूनिट, यूनिट का मतलब है कि अगर मटेरियल है तो किलोग्राम, लेबर है तो आर्स, मशीन है तो आर्स, कैपेसिटी है तो जो भी एरिया है, तो अगर एक एडिशनल यूनिट मिलता है तो उससे मुझे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा, ये है मेरा बाइंड, ये है मेरी शेडो प्राइस। अच्छा, शेडो प्राइस बच्चों को समझ में इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि शेडो प्राइस का उसकी डेफिनेशन से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, तो दैट इज़ बेसिकली ऑल्सो एन इशू। अब ये कैसे पता, अच्छा ये तो चले शेडो प्राइस की डेफिनेशन हो गई कि शेडो प्राइस क्या है। शेडो प्राइस फिर आपको ये बताएगा कि अच्छा अगर चले आपको ये ऑफर मिली है तो हम आपको ये बताएंगे कि एक घंटा अगर आपके ने एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है तो उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। अब देखिए ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ज़रा उसका तरीक़ाकार सुन लें। देखिए शेडो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट चले हमने देख लिया कि जी टेस्टिंग भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है और असेंबलिंग भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। शेडो प्राइस सिर्फ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की होती है, स्लैक की नहीं होती। सोचे क्यों? क्योंकि अगर कोई बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है तो उसके लिए तो आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्राइस कैलकुलेट, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैलकुलेट करना बनता भी है। लेकिन अगर आपका कोई कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, एक्स्ट्रा वो तो सरप्लस में अवेलेबल है, उसके लिए क्यों प्रीमियम देंगे आप? तो उसकी शेडो प्राइस हम कैलकुलेट नहीं करते। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें, बल्कि लिख लें कि जी शेडो प्राइसेस, शेडो प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, स्लैक हैज जीरो शेडो प्राइस, राइट? स्लैक हैज नो शेडो प्राइस, क्योंकि स्लैक के लिए हम कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। अच्छा, हाउ यू विल कैलकुलेट दैट? इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस चीज़ की शेडो प्राइस कैलकुलेट करनी है आपने, जैसे यहाँ पे टेस्टिंग की शेडो प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो उसकी आप इक्वेशन लिख लें। टेस्टिंग की इक्वेशन क्या थी? टेस्टिंग की इक्वेशन थी ये 1.5x वाली। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग की शेडो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हमें टेस्टिंग डिपार्टमेंट का निकालना है, तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट की इक्वेशन हम अलग से लिख लेते हैं। 1.5x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6000। अब इसमें दो चीज़ें चेंज करनी है आपने। पहला तो आपने ये चेंज करना है कि इसको चूंकि हम आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो इसको इक्वेट कर देंगे, और दूसरा चेंज ये कि हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर मुझे एक एडिशनल यूनिट मिल गया तो फ़र्क क्या पड़ेगा। तो एक एडिशनल यूनिट का मतलब है अब मुझे ये चेक करना है कि 6000 और एक घंटे अगर मिलते हैं तो फिर मुझे कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये वन एडिशनल है। अच्छा, अब बच्चा ये कहता है कि मैम एक काम करें ना, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं 6001 रख के। तो इस क्वेश्चन को दोबारा अगर मैं कैलकुलेट करूं भी और अगर मैं इस इक्वेशन में 6001 रख लूं, ट्रस्ट मी मेरा ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन, इसको सॉल्व मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम कौन सी रखेंगे? दूसरी इक्वेशन हम वो रखेंगे जो कि बाइंडिंग, जो कि उस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के साथ जो दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो रखेंगे। इस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के साथ दूसरी लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है? ये पॉइंट बी में, और दूसरी कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट की। तो दूसरी इक्वेशन हम असेंबलिंग की रखेंगे, विच इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12000। इसको एज इट इज रखना, इसमें चेंज नहीं कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका वही है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24004, और y हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12000, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12004। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 12004 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 4, 3001। ओके, सो ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल्स टू 3000
और x की वैल्यू आ जाएगी 1500, एक सेकेंड, 3000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 2000, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या फर्क पड़ा, देखें फर्क ये पड़ा कि पहले हम x कितना बना रहे थे, अब जरा गौर कीजिएगा बात पे, पहले हम x कितना बना रहे थे, जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली हमने x बनाना था 3000 यूनिट्स x के बनाने थे और 5000 यूनिट्स हमने y के बनाने थे। अब अगर एक घंटा मुझे एडिशनल मिल जाता है तो x के हम बनाएंगे 3001 यूनिट और y के हम एज इट इज 2000 यूनिट्स बनाएंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, या चलें आप उसको यूं कर लें कि कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ x। अच्छा, x के एक एडिशनल यूनिट का मतलब है वन मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन x का था 600, तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय 600, ये हो जाएगा 600। और कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम y, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो शेडो प्राइस है वो 600 हो जाएगी। अब इस शेडो प्राइस का मतलब क्या है, इस शेडो प्राइस का मतलब है कि दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच कंपनी कैन जनरेट फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट, यानी एडिशनल आर ऑफ टेस्टिंग डिपार्टमेंट, यानी टेस्टिंग डिपार्टमेंट का अगर एक घंटा एडिशनल मुझे मिल गया तो हमें 600 का बेनिफिट होगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बन जाएगा एक्स का और उसमें बेनिफिट होगा 600 का, राइट। और मुझे उसने पैसे कितने एक्स्ट्रा मांगे, मुझे उसने पैसे मांगे हैं एक्स्ट्रा 200, तो अगर 200 एक्स्ट्रा दे के अगर मुझे 600 का बेनिफिट हो जाता है तो क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम इस चीज़ पे सरप्राइज नहीं होंगे कि यार उसने मुझसे डबल पैसे मांग लिए, डबल पैसे मांग लिए तो बेनिफिट तो उससे ज़्यादा हो रहा है ना आपको। तो इस केस में हम ये लिख लेंगे कंक्लूजन के सिंस शेडो प्राइस, शेडो प्राइस का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट इज ग्रेटर देन द एक्स्ट्रा कॉस्ट, therefore company should accept, ठीक है, accept the offer। उसी तरीके से अगर यही डिमांड आपके पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा भी करता है, क्योंकि आपने जब ये सोचा, आपने कहा यार चलो एक डिपार्टमेंट से हमने बात की, एक डिपार्टमेंट ने तो अच्छी ऑफर दी है, तो चलो ये काम करते हैं असेंबलिंग से भी बात करते हैं, क्योंकि असेंबलिंग के घंटे भी तो खत्म हो रहे हैं ना, ये भी तो मसला है, इसके भी तो घंटे खत्म हो रहे हैं, ये भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, तो आपने कहा चलो इससे भी बात करते हैं। इसने आपको ये कहा, जब आपने इससे बात की तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट की जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 300 पर आर। इसने भी आपको यही बोला, इसने भी आपको बोला कि जी आप हमें काम करें, डबल पैसे दे दें, यानी 300 तो नॉर्मल है, आप मुझे 300 एक्स्ट्रा दे दें, $600 दे दें। तो आपको लगा कि यार बुरा मनाने वाली तो कोई बात है नहीं, अभी तो हमने देखा कि बुरा मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने कहा चलो यार इसका बेनिफिट चेक करते हैं। अब देखिए, आपको शेडो प्राइस इसकी कैलकुलेट करनी है, शेडो प्राइस असेंबलिंग की कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो हम असेंबली की इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12,000, ठीक है। इसमें दो चेंजेस करेंगे, एक तो इसको इक्वेट कर लेंगे और इसको 12,000 इन वन कर लेंगे। दूसरा चेंज हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जो भी दूसरी लाइन है हम वो लिख लेंगे, इस पॉइंट पे जो दूसरी लाइन है असेंबलिंग के अलावा वो कौन सी है, वो है टेस्टिंग की, ठीक है। तो टेस्टिंग की इक्वेशन है 1.5x प्लस वाई इज इक्वल टू 24,000, नहीं इज इक्वल टू 6,000, हाँ। तो अब कैलकुलेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24,000 और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12,001, तो ये हो जाएगा 4x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 11,999, ठीक है। मैं जरा इसको वेरीफाई कर लूँ, 24,000
minus 12,001 is 1199 divided by 4 is 299.75. ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5x प्लस बल्कि x की जगह पे तो हमें वैल्यू रखनी है ना, 299.75 प्लस y इज इक्वल्स टू 6000, राइट। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 299.75 माइनस 6000, तो ये बन रहा है 1500.375। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, तो इसको आराम से करते हैं। अच्छा, x के यूनिट्स कम हो रहे हैं, x पहले 3000 था, कहाँ गया, x 3000 था, y 1500 था, तो ये 3000 से कम होके ये हो गया और ये 1500 से बढ़ के 1575 हो गया। ठीक है, इसमें राउंडिंग ऑफ मत कीजिएगा। सो x का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी 0.25 टाइम्स 600। 0.25 क्यों, क्योंकि 3000 से कम हो के अगर ये हो जाता है तो इन दोनों का जो माइनस करेंगे वो 0.25 आएगा, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 600 है अगर, तो अगर 0.25 यूनिट्स कम होते हैं तो 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 600 करेंगे तो इतना नुकसान होगा मेरा, क्योंकि x की प्रोडक्शन कम हो रही है। और इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ y ये हो जाएगा 0.375 टाइम्स 1000, क्योंकि y का कंट्रीब्यूशन 1000 था, रिमेंबर ये हमने इक्वेशन बनाई थी, सॉरी ये इक्वेशन हमने बनाई थी, कंट्रीब्यूशन y का 1000 था, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 375। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 375 इज 225। आप मैक्सिमम इसको एक्स्ट्रा कितना दे सकते हैं, 225। सो दिस इज दी बेनिफिट विच कंपनी कैन जनरेट फ्रॉम वन एडिशनल आर ऑफ असेंबलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अगर उसने मुझे ये कहा था ना कि जी डबल पैसे दे रहे हैं $300, तो वैसे ही दे रहे थे आप, तो आप एक काम करें हमें $300 और दे रहे हैं, तो $300 अगर मैं उसको बोलूं तो इसका मतलब $300 की कॉस्ट है, ये उसका बेनिफिट है, तो बेनिफिट इज़ लेस देन दी कॉस्ट, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये वाली ऑफर जो है आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस शुड बी टेक्निकली रिजेक्टेड। ठीक है, तो बस ये है शेडो प्राइस। शेडो प्राइस का जो मेन रीज़न, मेन पर्पस है कैलकुलेट करने का, वो यही है कि हम ये देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है तो उसकी अगर एडिशनल क्वांटिटी मिल जाती है तो उससे कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बस ये इस लेक्चर के लिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।